देखते नहीं बहन सुपना का ऐसा काफिरा या लक्ष्मण सती की है देवी, हम अयोध्यापति महाराजा दशरथ के पुत्र हैं। मेरा नाम राम तथा यह मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है और साथ में मेरी अर्धांगिनी सीता है। यदि कोई हानि न हो तो अपना नाम और पता बता दीजिए। जी, मैं लंकापति महाराजा रावण की बहन हूँ और सुंदरता में अति प्रसिद्ध हूँ। हर नाम के लिहाज से शिल्प नखा कहलाती हूँ। बहुत से राजकुमारों ने मुझ पर नजर लगाई पर बंदी किसी का दिल नहीं रखते बैठी। तो फिर यहाँ क्यों आए हो? इसलिए कि
शूर्प नखा ने तुम्हारे दिल में जगा पाई है। अब तो समझ लिए मेरे प्यार के भाजी। तुम्हारी यह पहेली मेरे समझ में नहीं आई। देखने में तो अकलमंद मालूम होता है, पर हो पूरे सौदागी। यद्यपि तुम सच कहती हो, किंतु मैं तुम्हें नहीं वर सकता। जब बड़े बड़े राजकुमारों को अपने दिल में न लाई, तो हम वनवासियों से शादी करने को क्या मन में आई। तबियत है जहां आई, फिर कौन बासा कौन सुरारी। दास हूं, इसलिए उन्हीं के पास जाओ, वे तुम्हें अवश्य भर लेंगे। अरे लोनी ये कौन सकता शंकर, तू काहे को इतनी उछलती फिरे, तू तो काहे को इतनी उछलती फिरे। तू
मेरी खुशी का क्या ठिकाना, तुम जैसी चंद्रमुखी मृग नयनी मुझे देखकर मोहित हो गई। क्या रंग है, क्या रूप है, क्या यौवन है, जरा मुंह तो देखो जैसे कोई गुफा हो। सुंदरी मैं तुम्हारी मनोकामना पूर्ण नहीं कर सकता, इसलिए तुम बड़े भैया के पास जाओ, वे ही शायद तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। जी, ये छोकरा तो बिल्कुल नादान है, बच्चा है, जितना छोटा है उतना ही छोटा है, देखने में जितना गोरा है उतना ही मन का काला है। तुम भी सुंदर मैं भी सुंदर, दोनों में सुंदरता आई है, हम दोनों की जोड़ी सुंदर किस्मत ने कैसे बनाई है। मेरे बचन आज कुछ वही नहीं हो, जा 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 सर सर जा, अब यार रोए अरे तुम इस प्रकार नहीं मानोगी, जरा मेरे पास तो आओ। आपटी 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 कौन साहब उतर हाजी उतर रे संग, अब मान गए ना? हाँ मान गया, लक्ष्मण कठोर योग्य नहीं, मेरे कठोर स्वभाव नकारा है, क्यों नीत तुझे इस प्रकार जंगलों में घूमते शर्म नहीं आती, तू ही मेरा काम बिगाड़ रही है। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू मेरे गले पड़ रही है। सेवक के होते किसका साथ, जो माँ को दुखित करे कोई, सेवक के आगे कौन है जो स्वामिनी का फान सरे कोई। ए भतीजा, हाँ बोल, बात कुछ बार नहीं चे किस कजा नहीं चे बनी थे था निंगल छन ना पढ़ चो कर मान ना पढ़ चो कर नहीं कौन जो कुआरे ना हमें अच्छा नहीं कौन जो कौन रहता है रन भी ऐसे कौन है ना ना आने रे सेंसन है लगाऊं चा आने रे सेंसन अरे कहाँ थे नहीं खरी ना बोटो की तो छेंगे ना खाना था चल तो कुछ आकर ठिक करना आती हो तो कुछ कर रहा है ठुमका ठुमका लगो ना तब यार तेरी को छोड़कर अन्य सभी को माता और बहन समझते हैं, अतः यह तुम्हारी मनोकामना कर सकते पूर्ण हम नहीं, हम आर्य पुरुष आर्य धर्म हम खंडन कर सकते नहीं, इसलिए हे देवी तुम लक्ष्मण के ही पास जाओ, वह तुम्हें अवश्य वर लेगा। जी, तुम्हारे बिना मैं जीवित नहीं रह सकती, और न तो वह तो न आदमी है न आदमी की सूरत, इतना भोला भाला है पर दिल का काला है। जी जी जी, उससे तो बात करते ही मन खराब होता है। मैं सुंदर कन्या कुमारी हूँ,
तुम पाके छल बिहारी हो, मैं भी सुंदर तुम भी सुंदर, शादी अब मेरी तुम्हारी है। भैया कुल कलंगनी, तुझे शर्म नहीं आती यह कहने से पहले पापिन तू मर क्यों नहीं गई? हे कुल कलंगनी पिचाचनी, यदि हुआ नहीं विवाह तेरा तो घर जाकर कह दे, वे कहीं कर देंगे विवाह तेरा। यदि हो गया है विवाह तेरा तो नीच पति की सेवा कर, वही आराध्य देवता है उससे ही सुखी आशा कर। ओहो पहले इस कोमल ककड़ी को खा जाऊं, तब तो ये मेरे साथ विवाह करेंगे। किसी ने सारा काम बिगाड़ा है, भक्षण बक्षो सीता को भी काम बन जाएगा। नारी बीन हो रामचंद्र, जो मैं होती रमा आने हो ना, अब होगा आके हाँ फटाफट दो जी, दो 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 देता हूँ। अरे वाह चाचू, अरे बोलो भाई, मैं थक गया मौसम को खत्म, मैं तो नहीं चल पाया, बोलो भाई एक पर आप सही बात देखते नहीं बहन सुपना का, ज्यादा बकवास की तो जान से मार डालूंगा। सभी चुप रहो, बड़ी सरकार भोग रही है। नाक कटी न कटी भाई, नाक कटी न कटी भाई, चेहरा लहू लुहान हुआ।
बता दे बहना सपना था कहां तेरा घमसान हुआ, आहा कहां तेरा घमसान हुआ। किस जालिम ने की ये हरकत, किस जालिम ने की ये हरकत, किसके सर पर मौत खड़ी, आहा किसके सर पर मौत खड़ी। जान से बेजार हुआ कौन, किसकी आई बुरी घड़ी, आहा किसकी आई बुरी घड़ी। अरे नालायको देखा नहीं, अच्छी। अरे यह कैसा तूफान है, अच्छी। जुकाम लगी, एक नाचने वाली को बुला लीजिए। फिर आ जाओ ना, उड़ो मैं बस इजा। नाचने वाली खुदी आ गई। पंचवटी में जा पहुंची, नजर लगी दो बनवासियों पे, झट देख उन्हें मैं झिटकी, बुरी नजरों से लगे देखने और आपस में कुछ घिटपिट की हुई। जिस समय सामना उनकी तो उनकी आंखों से अटकी। बहन नाम बताओ उनका, क्या उन्हें महापरिखर का भय नहीं जो उन्होंने तुम पर आक्रमण किया। भैया वह वनवासी अवधपुरी के राजकुमार कहलाते हैं, नाम एक का राम तथा दूसरे का लक्ष्मण बतलाते हैं। वे चाहते थे बहकाना, मैं खातिर में नहीं लाती थी। अंतिम भड़ास थी बहन, मैं अभी उन्हें मजा चखाता हूं। मगर तुम वहां क्या करने गई थी? उन वनवासियों के साथ एक सुंदर स्त्री थी, मैं उस सुंदर स्त्री को उठाने गई थी। मैंने सोचा ऐसी सुंदर स्त्री को महाराजा रावण के महलों की शोभा में ले आओ, मगर उन्होंने मेरी नाक काट दी। अभी चखा मजा उन्हें राजकुमार कहलाने का, मेरे ही इलाके में आकर मुझ पे हाथ उठाने का। पता लगेगा उन्हें अभी तेरा खून बहाने का। जब तक न लूंगा बदला उनसे, नाम न लूंगा खाने का। मेरे बहादुरों सारी सेना तैयार करो तथा भूखे शेरों की तरह उनपे टूट पड़ो। सुपर्णखा तुम महल में जाकर आराम करो,
हम तेरे खून का बदला अवश्य लेंगे। नहीं भैया नहीं, मैं जो आज्ञा हो भ्राता जी। चलिए माता जी। अगर जिंदा ना हाथ आया तो इसकी मिर्गी छाला ही सही। ऐसा मिर्ग देखा ना सुना जैसा यह सुंदर सलोना है। देखो तो सर से पांव तक सोना ही सोना है। हे नाथ खाल लाओ तुम तो कुटिया सी शोभा होगी। सोने की मृग की मृग छाला से प्रभु अद्भुत यादगार होगी। सुना भूलखना याद मुझे घटना आती है। मन मेरा घबराता है, बदन कांपने लगता है, बस जरा सा लग जाता है। सिर्फ धनुष पल में तोड़ा था क्या सीता सुंदर पहलवान सभी हार गए थे। कौन से नशे में भूल जुबान क्या क्या वह साधारण मानव नहीं है। आकाश को उजाड़ दो, तारों को तोड़ दो, सूर्य का तेज छीन दो, सागर को निचोड़ दो। मैं रावण हूं रावण। महाराज नहीं, महाराज मैं सीते के रखिए। आप एक हैं, वे प्रभु हितान हैं, इसलिए आप यह हर छोड़ दें। मारी राजा जब प्रार्थना करता है उसका अर्थ है कि वह आज्ञा दे रहा है। हाँ, रावण की अवज्ञा तो हम जानते हो, इसलिए हम जैसा कहते हैं वैसा करो। महाराज मैं आपका मामा हूँ, इसलिए आपको नीति की बाती बतला रहा हूँ। जो स्त्री अपनी स्वेच्छा से न आए वो अग्नि की ज्वाला होती है। तुम हमें नीति की बातें सिखा रहे हो। राजा के सामने नम्रता के साथ अर्थात हिको हम दुतो नास्ती
न भूतो न भविष्यति। ऐसा राजा जो अपनी हितैषी की बातें नहीं सुनता। ओ मामा मारिच, कौन कौन? महाराजा लंकेश्वर। महाराज प्रणाम, आइए आसन ग्रहण कीजिए। आज कैसे आना हुआ? मारी, हम पर विपत आन पड़ी है, इसलिए तुम्हारे पास आए हैं। जो मित्र संकट में आता है, काम बढ़ाए में, भाई मित्र का धर्म यही है, धीरज बनाए तबाही में। दशरथ दशरथ कुमार दंडकपन में आए हैं दोनों, संग में सीता सुकुमारी नायरी लाए हैं दोनों। हर खार और दूषण का सहार क्या है, ऐसा उत्पात मचाया है, बदले में सीता हरण करो, मन में यह भय है। ये कौशल देव के राजकुमार हैं, धनुर्विद्या में शक्तिशाली कौन है, उन्हें सभी प्रकार के दिव्य अस्त्रों का ज्ञान है। वे ऋषि मुनियों की रक्षा करते हैं। वे इतने वीर हैं, तो उन्होंने हमारे सेना पर आक्रमण क्यों किया? उनकी प्रवृत्ति धर्म विरुद्ध नहीं हो सकती। भावना, आक्रमण उन्होंने नहीं, हमारी सेना ने उन पर किया था। हमारी सेना ने उन पर आक्रमण किया था और हार गए।
इसमें उनका कोई दोष नहीं है। हमारी सेना ने उन पर आक्रमण करके गलत किया था। इस दोष के लिए वे अवश्य ही दंड के अधिकारी हैं। खर दूषण आक्रमण करके उन पे उचित ही किया था। यह केवल आवेश की बात है इंद्रजीत, बुद्धि का तत्व विस्तृत होगा। लक्ष्मण सुनते हो, यह आवाज कहाँ से आ रही है? यह आवाज तुम्हारे भाई की है। शायद उन्हें निशाचरों ने घेर लिया। लक्ष्मण वे तुम्हें पुकार रहे हैं, जल्दी उनकी सहायता के लिए जाओ। माता जी, सृष्टि में प्रलय आ सकती है, भूमंडल खंड खंड हो सकते हैं, पर भ्राता जी पर कोई भी संकट नहीं आ सकता। नहीं लक्ष्मण नहीं, वह अवश्य संकट में है, क्योंकि यहाँ सारा जंगल राक्षसों से भरा है। इसलिए तुम जाओ। किसकी मजाल है माँ, जो दुख उनको पहुंचाएगा। सूर्य जिस पर जगह प्रकाश होता है, वहां अंधकार कब आएगा? माना आया भी तो क्या कुछ कर दिखलाएगा? राम के दर्शन पाके सुख का स्वरूप बन जाएगा। हे लक्ष्मण, तुम जल्दी जाओ, भाई की सहायता करने को है कठिनाई उन पर आई, जाओ तुम साथ निभाने को। माता मुझे समझते हो तो आज्ञा मानो। माता की मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ। मेरा इस समय धर्म है माँ, रहूं आपकी सेवा में, सर्वोच्च न्योछावर होना है भाई की एक आज्ञा में। ये वन विशाल व्याग भाई चारों ओर घनेरा है, माँ तुम्हें अकेले छोड़ यहाँ, यह धर्म नहीं मेरा है। यहाँ मुझे अकेले मौत खा रही है। साफ साफ क्यों नहीं कह देते कि माँ पाप शांत हो, पाप शांत हो। जड़ जमी और नारी तीनों भाई भाई का नाश करे, भाई भाई में बैर नहीं, एक का एक विश्वास करे। है, है? यह रेखा कैसी है, किसी सती की है, किसी वीर पुरुष की है, या लक्ष्मण सती की है? रेखा उल्लंघन न करूं तो प्रण पूरा नहीं होगा। यदि रेखा उल्लंघन करूं तो रावण का ही मरण होगा। कीजिए योगीराज,
इन फलों को ग्रहण कीजिए।